टुडे वी विल लर्न अबाउट ई वी एस वन सब्जेक्ट एंड आवर टॉपिक नेम इज़ द इन्वायरमेंट एंड अज सो लेट स्टार्ट कैन यू टेल विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन बिलो एक्सप्लेन वॉट वुड हैपन फ़ॉरेस्ट आर क्लियर ऑन अ लार्ज स्केल तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉरेस्ट पूरे तरीके से क्लियर हो रहे हैं मीन्स नष्ट हो रहे हैं पूरे तरीके से कट हो रहे हैं लार्ज स्केल पे ओके okay? तो क्या होगा ये हमें देखना है और नीचे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनकी हेल्प से ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विल वाटर एंड फूड सोर्सेस फॉर लिविंग थिंग्स ग्रो और डिविंडल वाई तो अगर स्टूडेंट्स लोग फॉरेस्ट को पूरे तरीके से क्लियर कर देंगे नष्ट कर देंगे तो क्या हमें वाटर क्या हमें पानी और जो हमारे फूड सोर्सेस हैं तो ये हमें मिल पाएंगे ये ग्रो हो पाएंगे या फिर डिवेंडलमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो अगर आपका आंसर नो no है तो इसका रीज़न क्या होगा ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज़ विल द लिविंग थिंग्स लुक फॉर शेल्टर्स एल्ड वेयर और स्टे ऑन वाई लिविंग थिंग्स शेल्टर के लिए कहीं और जाएंगे स्टूडेंट्स कहीं और रहने लगेंगे या फिर आपका जो भी आंसर है यस yes है या फिर नो no है तो इसका रीज़न क्या है थर्ड क्वेश्चन इज़ विल द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्रीज और डिक्रीज वाई अगर स्टूडेंट्स हम फॉरेस्ट के प्लांट्स और जो ट्रीज़ हैं तो उनको स्टूडेंट्स अगर हम नष्ट करते हैं कट करते हैं तो फिर जो स्पेस प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑक्यूपाइड किए हुए हैं तो फिर ये इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे फोर्थ क्वेश्चन इज विल द नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज वाई तो लिविंग थिंग्स जो हैं स्टूडेंट्स तो इनकी संख्या बढ़ेगी इंक्रीज होगी ओके okay? या डिक्रीज होगी तो जो भी आपका आंसर है तो इसमें फिर एक क्वेश्चन आएगा वाई Deforestation. The population of the world is now close to 600 crore. Man is developing new technology to meet the needs of all these people and it's using up more and more land and water resources for this purpose.

करोड़ ओके okay? और जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को फाइंड आउट करते हैं ओके okay? और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमें खेती भी ज़्यादा करनी होगी तो इसके लिए लैंड यूज़ कर रही हैं और लोगों के लिए वाटर रिसोर्सेज भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ओके okay? अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इनके लिए हमें एग्रीकल्चर का जो लैंड है तो वो भी बढ़ाना पड़ेगा ओके okay? या फिर जो हाउसिंग है लोगों के रहने के लिए हमें प्लेस बनानी पड़ेगी बिल्डिंग्स बन रही है इंडस्ट्रीज बन रही है अगर लोग ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स तो इनके लिए जो भी सामान लगने वाला है तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा ओके okay? इंडस्ट्रीज बढ़ रही है रोड्स हैं रेलवेज़ हैं तो इनको भी स्टूडेंट्स बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं जो ओपन स्पेसेस थी पहले तो इनको भी यूटिलाइज करने लगे ओके okay? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लोगों की नीड को लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए या फिर जो रोड्स हैं रेलवेज़ हैं तो उनको बनाने के लिए अभी क्या कर रहे हैं लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं ओके okay? या फिर ट्रीज़ को कट कर रहे हैं आ रोड देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पिक्चर पर रोड दिखाई दे रहा है ना तो ये रोड का पिक्चर है ओके okay? मार्शी और लो लाइंग एरियाज़ आर फिल्ड टू रिक्लेम द लैंड तो जो स्टूडेंट्स मार्शी एरियाज़ होते हैं जैसे कि वाटर सोर्सेस हैं ओके okay? तो इनके अराउंड जो एरिया होता है या फिर लो लाइंग एरिया है तो इनको फिल किया जाता है जैसे कि स्टोन्स हैं सैंड है तो इसमें डालकर उसे फिल किया जाता है और फिर इस लैंड को यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन के लिए लोगों के लिए हाउस बनाने के लिए या फिर अदर पर्पस के लिए ओके देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको रेलवे का पिक्चर दिख रहा है ना ये रेलवे ट्रैक आपको पूरे फॉरेस्ट में दिख रहा है ओके आपने भी स्टूडेंट्स जब ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो आपने भी ये देखा होगा तो स्टूडेंट्स ये कैसे बनी होगी पहले तो फॉरेस्ट को कट किया गया होगा ओके और फिर इसके बाद यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाए गए होंगे The environment provides shelter to different kinds of living things. There are many types of plants in forest. Birds build their nest in trees. Animals like the bear, deer, monkey, elephant, tiger all live in the forest. That is, they find shelter in a forest. All their needs are met in the forest. If forests are reduced, biodiversity is also depleted. तो स्टूडेंट्स एनवायरमेंट जो है हमारा नेचर जो है तो ये क्या करता है लिविंग थिंग्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है अगर हम फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट्स कई सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं एनिमल्स होते हैं बर्ड्स होते हैं ओके okay? और ये बर्ड्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स अपने नेस्ट बनाते हैं ट्रीज़ के ऊपर और एनिमल्स हैं जैसे कि डियर बियर हैं मंकी हैं एलिफेंट हैं टाइगर हैं तो ये स्टूडेंट्स कहाँ पर रहते हैं फॉरेस्ट में रहते हैं और ये अपना घर कहाँ पर बनाते हैं फॉरेस्ट में बनाते हैं और इनकी जो सारी स्टूडेंट्स ज़रूरतें हैं जैसे कि खाना तो इनको कहाँ से स्टूडेंट्स मिलेगा फ़ॉरेस्ट में और इनका घर कहाँ है वो भी फॉरेस्ट में है अगर फॉरेस्ट है स्टूडेंट्स वहाँ पर तो वाटर रिसोर्सेज भी होते हैं तो पानी कहाँ से मिलेगा फॉरेस्ट से मिलेगा तो इनकी ये जो सारी ज़रूरतें हैं तो ये कहाँ पर मिलेगी फॉरेस्ट में मिलेगी ओके okay? अगर फॉरेस्ट ही यहाँ पर रिड्यूस हो रहे हैं कम हो रहे हैं तो जो बायोडाइवर्सिटी हमें एनिमल्स में दिख रही है प्लांट्स में दिख रही है तो ये हमें नहीं दिखाई देगी ये बायोडाइवर्सिटी जो है स्टूडेंट्स तो ये पूरे तरीके से डिप्लीटेड हो जाएगी ख़त्म हो जाएगी ओके okay? Use your brain power. If a dam is built at a particular place, what changes will be seen in the environment? to agar dam कहीं प्लेस पर बन रहा है स्टूडेंट्स, तो वहां पर क्या चेंजेस होंगे, ये आपको सोचना है। Can you tell? Time and again we hear. न्यूज़ ऑफ सर्टन एनिमल्स एंड प्लाट्स फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिशन रीजनस फॉर द थ्रेट्स आर ऑल्सो गिविन कलेक्ट सच न्यूज़ आइटम्स फिल इन दैट इन्फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग चार्ट एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लास तो आपने भी स्टूडेंट्स कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि किसी स्पीसीस के जो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं तो ये एक्सटिंगड हो रहे हैं मेंस के पूरे तरीके से नष्ट हो जाते हैं और फिर से स्पेसिस जिसे हम कहते हैं तो ये हमें नहीं मिल पाएंगे तो इस तरीके के स्टूडेंट्स जो एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में आपने कभी न्यूज़ में सुना है तो इनकी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आपको चार्ट दिया गया है ओके okay, देखो यहाँ पर आपको चार्ट में स्टूडेंट्स थ्री कॉलम्स आपको दिए गए हैं नाउ फर्स्ट वन इज़ एनिमल्स और प्लांट तो एनिमल्स कौन से हैं प्लांट्स कौन से हैं ओके नाउ सेकेंड इज़ वॉट वॉज द इल इफेक्ट इसका क्या इफ़ेक्ट था जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हुए ओके नाउ थर्ड वन इज़ रीज़न्स गिवन इन द न्यूज़ न्यूज़ में स्टूडेंट्स कौन से रीज़न्स दिए गए हैं तो ये आपको इस चार्ट में लिखना है ओके स्टूडेंट्स आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये लेसन समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें गुड बाय